सरकार है, जो उसके जो कस्टोडियन है वो भीड़ नहीं है। कई बार जब इसकी समीप्त होते सस्पेंड हो जाते हैं, तो प्रथम दृष्टिया में ये आपराधिक मामला है। इतने बड़े इतने बच्चे की मौत, उनकी क्रांत एक कल पार्टियों को सोचने दे रही है। उनकी क्रांत कहीं ना कहीं आपकी इस आपकी जो असफलता है उस पर कहीं न कहीं आपको इंगित कर रहा है। कह कि प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त कर दिया, जब क्रिकेट खिलाड़ी को चोट आता है ट्वीट कर देते हैं प्रधानमंत्री जी, करना भी चाहिए। कथा सुनने वाले की मौत होता है ट्वीट करते हैं, करना चाहिए। इस संवेदना के मामले कहे हम उसके प्रति आस्था दिखाते हैं, पर महोदय लंबा दिन के बाद महीने बीत जाते हैं तब सदन में आकर के आप जब टैग करते हैं बिहार के लोग आपके ट्विटर हैंडल पर, कहने में प्रधानमंत्री जी इतने बच्चे की मौत विधायक चुप हुए हैं। लगातार जब ट्विटर हैंडल पर आपके टैग किए जाते हैं तो आप राज्यसभा में बातें रखते हैं। आप दिन सोची की है हर्षवर्धन जी के सवाल पर 2014 में जो आपने बयान दिया उसका तत्पुष्ट 2019 में कर दिया आपने, वही पुराने चीजों को आपने प्रवेश दिया। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो प्रथम दृष्टिया में मैं मानता हूं इस राज्य में कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई उस पर यूएसपी पर में सवाल खड़े हुए हैं, इस्तीफा लोगों ने दिया है, इन्होंने स्वीकारा नहीं है। तो आज तो सवाल सामने खड़ा है, व्यवस्था नहीं चलेगी। कहीं न कहीं प्रथम दृष्टिया में जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कस्टोडियन है डिपार्टमेंट के, उनको लेनी पड़ेगी। नैतिकता के आधार पर लोग अधिसूचित में लें आपका विश्वास नाकामे पे, जो लगातार 2006 से लेकर 2019 तक जो बच्चे की मौत हो रही है उस बच्चे की मौत पर रोकथाम के लिए आपने डायरेक्टिव प्रोविजन स्पेशल किया था, आपने उसके प्रावधान किया था। क्या कर सकते हैं अगर ललित जी ने जो कहा कि पीसी की जो हाल है, और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि जो सुधार हमने सिक्की साहब ने दिया है उस स्तर का पीएचसी होनी चाहिए राज्य के अंदर में। सिर्फ अस्पतालें बन जाए, विद्यालय बन जाए, इससे सिर्फ सुधार हो जाए, यह मेरा मानना है कि उचित नहीं है। जब तक